आज गांव में हर कोई शोक संतप्त था। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मात्र 40 वर्ष की आयु में सुनीता जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बहुत ही अच्छी महिला थी, हर वक्त सबकी मदद करती थी। ना जाने क्या हुआ, रात को सोई और सुबह उठी नहीं पाई। हाँ भाई, आजकल जीवन का कोई भरोसा थोड़ा ही है, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। अभी तो बच्चा भी बहुत छोटा है, बेचारा कैसे सारा क्रियाक्रम करेगा। बेटा आदित्य, आओ अपनी माँ का अंतिम संस्कार करो। यमदूत, तुमसे क्या गलती हो गई? इस महिला की तो अभी तक आयु भी पूरी नहीं हुई है, इसे क्यों लेकर आ गए? वापस धरती पर छोड़ कर आओ। महाराज, गलती हो गई, अभी गलती सुधार कर देता हूँ। यमदूत सुनीता जी की आत्मा को लेकर वापस लौटे, तब तक उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। आदित्य बेटा, ये तूने क्या किया, मेरा इंतजार भी नहीं कर पाया। अरे अब इस आत्मा का क्या करें, इसे तो यहीं पर रहना होगा, क्योंकि जब तक इसकी यहाँ की आयु पूरी नहीं होगी, यमलोक में भी इसके लिए कोई स्थान नहीं है। कहते हुए यमदूत सुनीता जी की आत्मा को वहीं छोड़कर अपने लोक चला गया। सुनीता जी बहुत देर तक अपने जलते हुए शरीर के पास रुकी, फिर उन्हें अपने पुत्र की याद आई तो वो लौट कर अपने घर आ गई। कम उम्र में मृत्यु के कारण पूरा घर शोक संतप्त था। पति राहुल का भी रो रो कर पूरा हाल था। बेटा राहुल, जो हो गया सो हो गया, अब आदित्य की तरफ देख, तू इस तरह रोता रहेगा तो उसे कौन संभालेगा, चल उठ उसे देख। राहुल जी ने मुश्किल से अपने बेटे आदित्य को भोजन कराया और उसे अपने सीने से लगाए अपना दुख हल्का किया। रात हो चुकी थी, इसीलिए घर की हॉल में ही दादी, आदित्य और राहुल के बिस्तर लगे थे। देर रात आदित्य को ऐसा लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वो छोटा सा मगर इतना भी नहीं कि ये ना समझ सके कि जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है उसका लौट कर आना असंभव है। वो आवाज सुनकर पसीना पसीना हो गया। कमरे की लाइट्स बंद थी। उसने अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा, वहां एक दिया जल रहा था। उस दिए के प्रकाश में उसे वहां पर खड़ी हुई एक आकृति दिखाई दी। आदित्य सिर से लेकर पांव तक कांप गया। कौन है वहां पर? आदित्य की आवाज सुनकर पास में सोया हुआ राहुल उठ गया। कौन है वहां पर? क्या हुआ बेटा, घबरा क्यों रहे हो, कोई सपना देखा क्या? कहते हुए उसने लाइट्स ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही आदित्य ने जैसे ही अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा, वहां पर कुछ भी नहीं दिखा। उसे लगा उसके मन का भ्रम होगा। कुछ नहीं पापा, वो मम्मी। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, तुझे अपनी माँ की याद आ रही होगी, वो तो निर्मोही थी, हम सबको मुंह में डालकर चली गई। कहते हुए उसने लाइट्स बंद की और आदित्य को अपने सीने से लगाकर सो गया। आदित्य अभी भी अपनी माँ की तस्वीर की तरफ ही देख रहा था। फिर उसे वहां पर अपनी माँ का अक्स नजर आने लगा। घबरा कर उसने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह उसे तेज बुखार था। लगता है इसे सुनीता के जाने का बहुत सदमा लगा है। आखिर उसकी माँ थी, तकलीफ तो होगी बच्चे को। ऐसा कर, मैं तीसरे पूजा की तैयारी करती हूँ, तू इसे डॉक्टर को दिखा के ले आ। डॉक्टर को दिखाने के बाद आदित्य तीसरे के पिंड बना रहा था, तभी उसे तस्वीर के पास अपनी माँ का साया नजर आया। उसके हाथ से पिंड छूट गया। ये क्या अनर्थ कर दिया, पिंड घर में ही छोड़ दिया, आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? पंडित जी बच्चा है, गलती हो गई, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है। कहते हुए उन्होंने वो पिंड उठाकर वापस आदित्य के हाथ में रख दिया। पंडित जी पूजा करके चले गए। उसी रात जब आदित्य राहुल के पास सो रहा था, उसे अपने सिरहाने किसी के होने का एहसास होने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो सुनीता जी थी। वो घबरा कर उठ गया। मम्मी, तुम? उसकी आवाज सुन दादी और राहुल जी भी दोनों उठ गए। क्या हुआ? मैंने अभी मम्मी को देखा। लगता है तेरे दिल और दिमाग ने अभी तक सुनीता की मौत को एक्सेप्ट नहीं किया। बेटा, वो जा चुकी है, जितनी जल्दी तू इस सत्य को मानेगा उतना ही तेरे और राहुल के लिए सही रहेगा। कहते हुए दादी ने राई नमक की पुड़िया उसके सिरहाने रखी और
सोने के लिए कहा, मगर माँ की आत्मा तो मरने के बाद भी बच्चों के लिए तड़पती है। यहां तो अभी उनकी मौत का भी समय नहीं आया था, तो वो अपने बच्चे से कैसे दूर हो सकती थी। वो सारी रात वहीं अपने बेटे के पास बैठी रही। आदित्य को वो अब दिन में भी नजर आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो यदि दादी या पापा को इसके बारे में बताता तो वो लोग परेशान हो जाते, और जो कुछ वो महसूस कर रहा था वो उसका भ्रम तो नहीं था। दसवें के दिन जब अस्थि विसर्जन के लिए वो लोग नदी गए, वहां पर किए पिंडदान के पिंड नदी में आगे बहने के बजाय आदित्य के पास ही रुक गए। ये क्या, इस तरह की क्रिया तो मैंने आज तक नहीं देखी। बहते हुए पानी में पिंड बह जाने चाहिए, मगर ये तो यहीं रुक गए। बेटा ऐसा करो, इन्हें अपने हाथों से खुद से दूर कर दो। पंडित जी के कहने के बाद आदित्य ने जब उन पिंडों को अपने हाथों से बहाने की कोशिश की तो वे आगे जाने के बजाय वहीं पर डूब गए। जैसी प्राणी की इच्छा, शायद वो अभी आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। देखते ही देखते 12 दिन पूरे हो गए। आज उनके घर 12वें की पूजा और ब्राह्मण भोज था। बेटा, ये तिल जो अग्नि में अपनी माँ के लिए समर्पित कर उसके मोक्ष की प्रार्थना करो। जैसे ही पंडित जी के कहने पर आदित्य ने वो तिल अग्नि में डाले, अग्नि बुझ गई। ये क्या हुआ, आत्मा भोग क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? दसवीं के दिन पिंड भी आत्मा तक नहीं पहुंचे। आखिर आत्मा क्या चाहती है? क्या आप में से किसी को 12 दिन में उनके सपने या उनके आसपास होने का कोई एहसास हुआ था? पंडित जी, हम में से तो किसी को नहीं, मगर आदित्य को एक बार ऐसा एहसास हुआ था कि उसकी माँ उसके पास है। बेटा, क्या वो तुम्हें उसके बाद भी नजर आई या केवल एक दिन का एहसास था? पंडित जी का प्रश्न सुनकर आदित्य अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखने लगा, और जहाँ उसकी माँ अभी भी खड़ी थी, फिर उसने पापा और अपनी दादी की तरफ देखा। क्या सोच रहा है बेटा? पंडित जी जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दे। वो मम्मी तो अभी भी यही है, मुझे अभी मेरी आंखों के सामने नजर आ रही है, वो अपनी तस्वीर के पास ही खड़ी है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान होकर तस्वीर की तरफ देखने लगे, मगर किसी को भी वो नजर नहीं आए। क्या सच में तुम्हें वो नजर आ रही है या तुम्हारी आंखों का ये भ्रम है? पंडित जी, भ्रम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पिछले कई दिनों से माँ के अपने आसपास होने का एहसास हो रहा है, और अब तो वो मुझे नजर भी आती है। क्या उन्होंने तुमसे कभी बात करने की कोशिश की, तुम्हें कुछ बताया? नहीं, बताया तो कुछ नहीं। कुछ मंत्रों का जाप करके पंडित जी ने अपने सामने आने पर मजबूर किया। जैसे ही सुनीता जी की आत्मा वहां पर आई, दादी और राहुल जी देखकर हैरान रह गए। सुनीता, तुम? इसका मतलब आदित्य सच कह रहा था? हाँ, मैं लौट कर आ गई। मुझे आना पड़ा लौट कर, अभी मेरी उम्र पूरी नहीं हुई और मुझे 30 साल इस धरती पर बिताने हैं। ये तुम क्या कह रही हो? कहते हैं ईश्वर से गलती नहीं होती, मगर ईश्वर से भी बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बिना शरीर के 30 वर्ष और यहाँ बिताने होंगे। सुनीता जी की बात सुनकर सभी को उनके प्रति सहानुभूति हुई। आप लोग इस तरह परेशान ना हो मुझे देखकर, मैं इसी तरह भी खुश हूँ अपने परिवार के पास रहने में। राहुल, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है? तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था, सिर्फ आदित्य का चेहरा देखकर जिंदा था, मगर अब तुम लौट आई हो तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मैंने इतने मृत लोगों की क्रियाकर्म करवाई, कई बार मृत आत्मा से साक्षात्कार भी हुआ, मगर इतनी शांत और सौम्य आत्मा का अनुभव मैं पहली बार कर रहा हूँ। बेटा आदित्य, ये तो विधि का विधान है, अपनी माँ के पूरे कार्य करो, क्योंकि उनका शरीर तो अब नष्ट हो चुका है, मगर तुम्हें खुश होना चाहिए कि उनकी आत्मा अब भी तुम्हारे पास है। सुनीता, अपने परिवार का ध्यान रखना। पंडित जी पूरा क्रियाकर्म करके अपने घर लौट गए थे। सुनीता कई सालों तक अपने परिवार के पास ही रही, अपने बेटे की शादी, पोते का मुंडन, सभी कार्यों में वही थी। जब उनके जाने का वक्त आया तो पूरे परिवार को आशीर्वाद देकर उनकी आत्मा परमात्मा के धाम चली गई।